नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और पेज नंबर 158 हम क्वेश्चंस करेंगे. व्हाई आर ह्यूमन बीइंग्स हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज कलर एंड लुक्स सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज. तो क्यों है कि मनुष्य ह्यूमन बीइंग्स जो एक दूसरे से इतना अलग दिखते हैं, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज, कितने लंबे हैं, छोटे हैं, कलर, त्वचा की कलर क्या है एंड लुक्स या और लक्षण क्या हैं, सेट टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, वो सेम जाति में कैसे हम बोल सकते हैं कि हैं. ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ह्यूमन बीइंग्स इवन दो दे हैव डिफरेंट साइज कलर एंड लुक्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज बिकॉज दे हैव सिमिलर डीएनए सीक्वेंसेस एंड हैव डिसेंडेड फ्रॉम द सेम एनसेस्टर्स. सो सेम एनसेस्टर्स से आए हैं हम सब मनुष्य, माने हमारे जो पूर्वज थे वो सेम थे और हमारा जो डीएनए है वो भी सेम है, सिमिलर है. सब एकदम सेम तो नहीं है पर सिमिलर है. अच्छा, ऑल्सो दे आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स, माने मनुष्य जात को आगे बढ़ाने के लिए हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं. दीज वेरिएशंस में हैव सॉरी पर यही इतना ही आंसर है. ठीक है, नंबर टू, इन एवोल्यूशनरी टर्म्स कैन वी से विच अमंग बैक्टीरिया स्पाइडर्स फिश and chimpanzees have a better body design, why or why not? तो क्रमागत उन्नति की टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया, अच्छा जो ये कीटाणु होते हैं, या स्पाइडर्स मकड़ी, या फिश मछली, एंड चिम्पैंजीज एक टाइम का बंदर होता है, हैव अ बेटर बॉडी डिज़ाइन, इनका बॉडी का जो डिज़ाइन है वो बेहतर है, why और why not, क्यों या क्यों नहीं. अच्छा, इन एवोल्यूशनरी टर्म्स, क्रमागत उन्नति की तरफ से देखिए, देखा जाए तो ऑल ऑर्गेनिजम्स वी सी टुडे हैव इन्वॉल्व्ड इन मिलियंस ऑफ इयर्स बिकॉज दे वर फिटर एंड बेटर कंपेयर टू देयर एंसेस्टर्स. जो भी हम आजकल देखते हैं, कीटाणु है या मकड़ी है या मनुष्य है या बंदर है या कोई भी है, वो अपने पूर्वज से आए हैं, सैकड़ों साल पहले पूर्वज से स्टार्ट हुए और फिर चेंज होते गए बेहतर होते गए, ताकि वातावरण में अडेप्ट करते गए, वातावरण के जो चेंजेस थे और उसके अनुसार वो अडेप्ट करते गए. तो हम सब जो हैं, या चाहे मकड़ी हो या मछली हो, हम अपने पूर्वज से बेटर हैं. ऑल ऑफ देम आर बेटर देन ईच अदर इन सम वे और द अदर, ऑल ऑफ देम हैव इवॉल्व टू बी द बेस्ट फॉर द हैबिटेट दे ऑक्यूपाई और इकोलॉजिकल रोल दे ऑक्यूपाई. तो पूर्वज, जैसे मैंने बोला, पीढ़ियों से चलते आए हैं, है ना. तो पूर्वज जो थे हमारे, वो सर्टन टाइप के थे, फिर वातावरण के अनुसार चेंजेस हुए, फिर हम में चेंजेस हुए, होते गए और आज हम हैं जो हैं. Hence, it cannot be said that in evolutionary terms, any organism, तो ऐसे हम नहीं बोल सकते कि कीटाणु या मकड़ी या मछली या बंदर बेटर बॉडी, इनका बॉडी डिज़ाइन बेटर है. ये जो बॉडी डिज़ाइन है इनका, ये अभी के लिए ठीक है उनके वातावरण के अनुसार. ठीक है, फिर अगली सेक्शन करते हैं. What have you learned? Number 1, variations arising during the process of reproduction can be inherited. तो विविधताएँ या अलग चीज जो आती हैं प्रक्रिया में, प्रजनन के प्रक्रिया में, बच्चे पैदा करने के प्रोसेस में, कैन बी इनहेरिटेड, वो विरासत में मिलती हैं. ठीक है, तो जब ये प्रजनन का एक्ट होता है, बच्चों पैदा करने का एक्ट होता है, ये जो चेंजेस आते हैं वो और आगे भी जाते हैं बच्चों के बच्चों में भी. ओके, दीज वेरिएशंस मे लीड टू इंक्रीज सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल्स. तो ये जो विविधताएं हैं या जो अलग चीज़ें हैं, ये हो सकता है कि
जो व्यक्ति हैं उनके ज़्यादा साल जीवित रहने में सक्सेसफुल हों, अच्छे हों, माने जो भी चेंजेस हुए हैं ज़्यादा जीवित रहने के लिए इंक्रीज सर्वाइवल में काम आए। ओके, सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हैव टू कॉपीज ऑफ जीन्स फॉर द सेम ट्रेट। तो जो सेक्स करते हैं जैसे मनुष्य हैं, हाँ, ये ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके दो कॉपी होती हैं जीन की एक ही लक्षण के लिए। इफ़ द कॉपीज आर नॉट आइडेंटिकल, अगर कॉपी सेम नहीं होती, द ट्रेट दैट गेट्स एक्सप्रेस, जो लक्षण दिखता है, इज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट, उसको प्रमुख ट्रेट या डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं, एंड द अदर जो और जो नहीं दिखता है उसे रिसेसिव ट्रेट या पीछे हटने वाली ट्रेट बोलते हैं, लक्षण ट्रेट। ओके, ट्रेट्स इन वन इंडिविजुअल, जो लक्षण हैं एक व्यक्ति में, मे बी इनहेरिटेड, वो विरासत में मिलते हैं सेपरेटली अलग से, गिविंग राइज टू न्यू कॉम्बिनेशंस, और तो नए कॉम्बिनेशंस, हाँ, संयोगों ऑफ ट्रेट्स इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लक्षण बच्चों में। सो ट्रेट्स इन वन इंडिविजुअल, जो लक्षण एक व्यक्ति में होते हैं वो विरासत में मिलते हैं अलग से, और नए कॉम्बिनेशन बनते हैं लक्षण के उनके बच्चों में। सेक्स इज डिटर्मिन बाई डिफरेंट फैक्टर्स इन वेरियस स्पीसीज, ये लड़का होगा या लड़की होगी ये निर्धारित है अलग विभिन्न फैक्टर्स से, विभिन्न चीज़ों से, विभिन्न जातियों में। इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे का सेक्स होगा मेल होगा या फीमेल होगा, माने आदमी होगा या लड़का होगा या लड़की होगी, डिपेंड्स ऑन वेदर द पटर्नल क्रोमोसोम, जो पापा की तरफ से क्रोमोसोम एक्स आती है गर्ल्स के लिए, माने लड़कियों के लिए, और वाई फॉर बॉयज़। ओके, तो अगर एक्स क्रोमोसोम होती है तो वो, और एक्स एक्स माने मम्मी की तरफ से एक्स आती है, पापा की तरफ से एक्स आती है, तो लड़की होगी। अगर मम्मी की तरफ से एक्स आती है, पापा की तरफ से वाई आती है, तो एक्स वाई लड़का होगा। ठीक है, ओके। वेरिएशंस इन द स्पीसीज, जो विविधताएं हैं या अलग चीज़ें हैं जातियों में, मे कन्फर सर्वाइवल एडवांटेजेस, माने वो ज़्यादा देर के लिए फायदा हो सकता है, ज़्यादा देर के लिए जीवित रहने में या किसी और चीज़ के लिए फ़ायदा हो सकता है, सर्वाइव माने बचेंगे। ठीक है, और मियरली कॉन्ट्रीब्यूट टू द जेनेटिक ड्रिफ्ट, या केवल हो सकता है कि अनुवंशिक बहाव में चेंज हो। ठीक है, तो जो भी स्पीसीज में चेंजेस होते हैं, अलग चीज़ें होते हैं, उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, और फिर उस जाति ज़्यादा देर जीवित रह सकती है, या खाली जो है अनुवंशिक बहाव में चेंज होते हैं। ओके, चेंजेस इन द नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, अगर कुछ परिवर्तन चेंज आता है उन ऊतक में जो रिप्रोडक्शन में सेक्स में नहीं यूज होते हैं, कॉज बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो वातावरण की वजह से होते हैं, दे आर नॉट इनहेरिटेबल, तो वो जो है बच्चों में नहीं जाएंगे। तो वही चेंजेस जो होते हैं जो सेक्स करने के ऑर्गन्स में होते हैं, ओवरीज में, टेस्टिस में, वो चेंजेस जो हैं बच्चे में जाएंगे। अगर लिवर में कुछ चेंज हो जाए आपका, तो वो आपके बच्चों में नहीं जाएगा। स्प्लीन में, हार्ट में कुछ चेंज हो जाए आपके बच्चे का, वो आपका, तो आपके बच्चों में वो नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये जो हार्ट है या लिवर है या स्प्लीन है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है। ठीक है, स्पीशिएशन में टेक प्लेस व्हेन वेरिएशन इज कंबाइंड विद ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, तो जब चेंजेस होंगे और फिर वो जो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन माने जाति एक जगह पे हो जाएगी, जैसे हमने बात की थी नदी के बारे में, और दो जाति, एक ही जाति जो थी सेपरेट हो गई थी, पर फिर वो अलग हो गए, है ना, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया उनका। तो स्पीशिएशन माने अलग स्पीसीज बनेगी, अब व्हेन वेरिएशंस, ये जो चेंजेस हैं ये
अलग रह के अगर होंगे। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो क्रमागत उन्नति के रिश्ते हैं आर ट्रेस्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स। जो जब जब हम सॉर्ट करेंगे ऑर्गेनिजम्स को, मनुष्य को, बंदर को, कुछ भी, तो वो क्रमागत उन्नति के जो रिश्ते हैं वो उस टेबल में आएंगे। माने वो आए कहाँ से हैं वो लोग, वो टेबल क्लासिफिकेशन उसे बोलते हैं। ट्रेसिंग कॉमन एंसेस्टर्स बैक इन टाइम, जो हमारे पूर्वज हैं पहले के, लीड्स अस टू द आइडिया दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम नॉन लिविंग मटेरियल मस्ट हैव गिवन राइज टू लाइफ। अगर हम क्रमागत उन्नति में पीछे 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 जाते जाएं, तो हमें दिखेगा कि एक टाइम होगा बहुत सैकड़ों साल पहले जब नॉन लिविंग मटीरियल, जो जीवित मटीरियल नहीं था, वो उसने जीवन दिया। Evolution can be worked out by the study of not just living species but also fossils. क्रमागत उन्नति हमसे हम ये भी देख सकते हैं कि क्रमागत उन्नति की स्टडी में कि फॉसिल्स से हमें क्या पता लगता है। ये नहीं कि खाली जीवित जाति से, पर फॉसिल्स से भी बहुत कुछ पता लगता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स में है इवॉल्व्ड, एकदम जटिल ऊतक जो हैं वो क्रमागत उन्नति में आए होंगे बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल एडवांटेजेस ऑफ इवन द इंटरमीडिएट स्टेजेस। तो क्रमागत उन्नति एक दिन नहीं हुई है ना, बहुत सैकड़ों साल से हुई, तो बहुत स्टेजेस थे, स्टेप्स थे उसमें। तो जटिल जो ऊतक हैं वो आए होंगे क्रमागत उन्नति में, अगर ये जो चेंजेस हैं उन ऊतक में उन्होंने कुछ सर्वाइवल एडवांटेज दिया। माने वो इतने अच्छे थे वो जो जो भी अंग थे उसके, कि जो जाति है वो ज़्यादा चली, या सर्वाइवल माने जीवित रहना ज़्यादा टाइम के लिए। ऑर्गन्स और फीचर्स में बी अडेप्टेड टू न्यू फंक्शंस, जो ऊतक हैं या लक्षण हैं वो जो हैं नए नए काम कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, क्रमागत उन्नति में। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहे हैं, फेदर्स जो पंख हैं आर थॉट टू हैव इनिशियली इवॉल्व फॉर वॉर्म। तो पहले सोचना था कि जो पंख थे वो जानवर को एकदम गर्म रखने के लिए इवॉल्व हुए थे, क्रमागत उन्नति हुई थी उनकी, एंड लेटर और फिर बाद में वो उड़ने के लिए यूज हुए। ठीक है, तो ये जो है ऑर्गन का, जो ये ऊतक का, ये फेदर्स का, पंखों का चेंज हुआ कि क्यों आया। एवोल्यूशन कैनॉट, अब मैं 159 पे हूँ। एवोल्यूशन कैनॉट बी सेट टू प्रोग्रेस फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर्म्स। क्रमागत उन्नति ऐसी नहीं है जो नीचे से ऊपर जाएगी। रादर एवोल्यूशन सीम्स टू हैव गिवन राइज टू मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइंस। पर क्रमागत उन्नति में है देखेंगे कि ज़्यादा जटिल डिजाइंस आएंगे बॉडी के, इवन वाइल द सिंपलर बॉडी डिजाइंस कंटिन्यू की टू फ्लरिश। तो पहले के जो सिंपल बॉडी डिजाइंस हैं, सरल बॉडी के डिज़ाइन भी हैं, वो भी हैं, और फिर जटिल वाले भी आए हैं। तो ये नहीं है कि जटिल वाले आ गए तो सरल वाले मिट गए, ऐसा नहीं है, साथ साथ हैं सब बॉडी के डिजाइंस। स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम पढ़ाई करेंगे क्रमागत उन्नति मनुष्य की, इंडिकेट्स दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू अ सिंगल स्पीसीज। तो हम सब जो हैं मनुष्य, चाहे आप अफ्रीका से हो, इंडिया से हो, अमेरिका से हो, बिलोंग टू अ सिंगल स्पीसीज, हम सब एक ही जाति के हैं, दैट इवॉल्व्ड इन अफ्रीका, जो अफ्रीका से पहले आए, एंड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन स्टेजेस, और फिर हम दुनिया में बहुत जगह चले गए, पर पहले हम अफ्रीका में बने या हुए। ठीक है, तो यहाँ मैं बंद करती हूँ, फिर अगली बार एक्सरसाइजेस करेंगे।